तो हम लोग आज कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? आठवीं में, है ना? पेज नंबर 57, ठीक है। और वर्क इन पेयर्स मतलब हमको कैसे काम करना है, जोड़ों को समझ में आया, दो लोग मिल करके इसको करेंगे, इस टाइप से ये प्रोग्राम है। समझ में आ गया सबके? आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। तो एक जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले दिया हुआ पिक्चर, पिक्चर में क्या दिया हुआ, रेट लिस्ट दिया है, रेट लिस्ट हम लिख दिए है ना, पिक्चर नहीं बनाए हैं। तो पहले किसका नाम दिया है, कितने का, 200, हॉकी 120, रैकेट 120, फुटबॉल 120, लूडो 55, चेस बोर्ड 70, है ना। अब उसको रुपीज, डॉलर, जो भी उसका पैमाना मानना यूनिट, है ना, मान सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, और यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है चीपर, तो चीप यानी होता है सस्ता, चीप यानी सस्ता, हाँ ठीक है, चीपर उससे और चीपेस्ट सबसे। क्लियर हो गया? Yes, वैसे ही है, चीपेस्ट हो गया। कॉस्टली, कॉस्ट, कॉस्ट कीमत, कॉस्टलीस्ट कितना, सबसे ज्यादा कीमती, ठीक है। Yes, हाँ। और क्या है, चीपर हो गया, कॉस्टली बता दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। महंगा और सस्ता, ठीक है। Yes, पहला क्वेश्चन है, विच आइटम is cheaper than the chessboard. Which item is cheaper than the chessboard. Which item, कौन सा आइटम इज है cheaper than, उससे cheaper है, ठीक है, the chessboard से। क्लियर हुआ? Yes, हाँ। तो कौन सा है चेसबोर्ड का, कितना है, 70, चीपर यानी कम। कौन सा है, यहाँ पर आंसर बनेगा लूडो इज चीपर देन द चेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया? ये बताने के लिए था, ये क्या था फिर से समझ लो, इसी प्रकार से आंसर देते बनना चाहिए करके इसको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसमें केवल विच से क्वेश्चन किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच आइटम इज द चीपेस्ट तुलनात्मक के लिए तो देन लग गया, यहाँ चीपेस्ट मतलब सबसे, तो सबसे वाला कौन सा है, जोर से, लूडो। क्लियर है? Yes, तो आंसर वही आ जाएगा सेम, फिर से वही है ना, सबसे सस्ता। Yes, लूडो द चीपेस्ट, ठीक है, चाहे तो आइटम भी जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बोलता है विच आइटम इज द कॉस्टलीएस्ट आइटम कौन सा आइटम है, इज है द कॉस्टलीएस्ट आइटम, सबसे महंगा आइटम कौन सा है, यहाँ पर क्या आंसर आएगा बताओ तुम? आइटम क्लियर हो गया? Yes, sir. अगला पढ़ने का तरीका जो है वही यही है, विच आइटम्स आर
चीपर देन द बैग, चीपर देन द बैग। बताया कौन सा आइटम है या कौन से आइटम है चीपर देन द बैग, बैग से चीपर है। क्लियर हो गया? कौन से आइटम है बताओ? कॉफी है। कॉफी स्पेलिंग H-O-C-K-E-Y। अगला रैकेट। रैकेट। अगला चीपर देन बैट। बैट से चीपर तो पता चीज है ना बाबू, आप लोग मजाक करने मोड में। एंड लास्ट वाला क्या है? आर सेम उतर जाएगा, ठीक है? चीपर देन बैग, ठीक है? क्लियर आया समझ में? Yes, sir. आगे चले। विच आइटम आर एज कॉस्टली विच आइटम आर एज कॉस्टली उतने ही कॉस्टली है एक रैकेट जितना कि रैकेट है, ठीक है ना? तो रैकेट के बराबर ही कौन सा आइटम है बताओ? तो रैकेट का क्या है? रैकेट का कितना है? 120। और बाकी और कौन कौन से हैं? तो हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी एंड फुटबॉल है ना। और उसके बाद आ जाएगा आर एज कॉस्टली इज द रैकेट। क्लियर हो गया? कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन का आंसर बनाते बनना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बने, ठीक है? चालू।